चलिए बनाते हैं कड़क मसालेदार चाय, वो भी घर के मसाले के साथ, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, दिन भर की थकावट और सरदर्द तो एकदम ही गायब हो जाएगा। ऐसा जादू है ऐसे चाय में। तो फिर बनेगी कैसी ये चाय, चलिए देखते हैं। एकदम परफेक्ट चाय बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे घर पे ही चाय का मसाला, जिसके लिए पैन में मैंने यहाँ पे लिए है करीबन 3 टेबलस्पून छोटी वाली हरी इलायची। इसे बहुत ही रिफ्रेशिंग और खुशबूदार बनती है चाय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मसाला चाय का। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ी वाली यानी कि काली इलायची। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्ची के दाने, इससे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत राहत मिलती है इससे। 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लौंग, इससे भी बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी आपको मदद करेगा। कुछ टुकड़े मैं डाल रही हूँ दालचीनी के, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा और साथ ही गैस कब्जी सर्दी जुकाम में भी राहत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है सौंफ का तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, मैं बस 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके बहुत फ़ायदे हैं और डाइजेशन में भी मदद करता है। इन सारे मसालों को लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये बढ़िया से खुशबूदार यानी कि एरोमेटिक ना हो जाए। बस फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मसाला जलना नहीं चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका मसाला है ना कड़वा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो मसाला है ना, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, खास करके बारिश में, ठंडियों में, चाय में ना, ये एकदम बढ़िया से 4 चांद लगा देगा उसके टेस्ट को। और इसके सबके मसालों के फ़ायदे तो आप सबको मैंने बता ही दिए। तो ये देखिए, अच्छे से क्रस्टी हो गया, मतलब क्रंची हो गए, क्योंकि पिसने में आसानी हो जाएगी, भुन गए हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 जायफल यानी कि नटमेग, इसको थोड़े से टुकड़ों में कर रही हूँ ताकि इसको पिसने में आसानी हो। और इसको भी डाल देंगे मसालों के साथ और इसको भून लेंगे लास्ट 1 और मिनट के लिए, ताकि ये वाला मसाला भी भून जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको तुलसी का फ्लेवर पसंद है ना, तो जब आप चाय बॉईल करेंगे ना, तो उसी समय फ्रेश तुलसी डाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास सूखी वाली अदरक है ना, टुकड़ों में जो मिलती है मार्केट में, वो है तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए रोस्टिंग के समय। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, बाद में अदरक का पाउडर डालने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये अच्छे से भून गए, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं यहाँ पे छोटी सी मिक्सी में, ताकि अच्छे से पिस जाए। तो सबसे पहले इसको एक बार पिस लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा पिस गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सूखे अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, ऐसे डब्बे इजिली मिल जाते हैं मार्केट में, इसको सौंठ भी कहा जाता है। और फिर से इसको चला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया मसाला घर पे ही तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो मसाला है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और मार्केट का जो मसाला है ना, उससे तो 100% बेहतर ही बनता है घर पे। कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं होते, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने बनाया, देखा आपने। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने तक ये बाहर भी अच्छा रहता है, फ्रिज में तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो बस इस मसाले को यूज़ करके बढ़िया से चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे सॉस पैन में मैंने लिया है 1.5 कप पानी, इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 से 2 टीस्पून चाय पत्ती, या जैसे आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो, डिपेंडिंग आप कौन सी चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं। और इसको अच्छे से करने देंगे चाय पत्ती के साथ। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो चाय पत्ती का कलर है और फ्लेवर है अच्छे से पानी में पहले छूट जाए, फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून चीनी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो इसके बदले मिश्री के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं, जो धागे वाली मिश्री मार्केट में मिलती है, वो भी काफ़ी हेल्दी होती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गुड़ वाली चाय भी बना सकते हैं, वो भी बहुत इजीली बन जाती है। लेकिन उसके लिए क्या करना रहता है ना, दूध को अलग से उबालना होता है, जिसका वीडियो जो है ना, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से कट गया है बेस। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 कप दूध। तो जितना मैंने पानी यूज़ किया था उतना ही दूध यूज़ किया है। 1 कप अगर आप पानी यूज़ करें तो 1 कप दूध यूज़ करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से उबलने देंगे। इसमें सबसे पहले 1 उबाल आने दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा करना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जो मसाला हमने तैयार किया था ना फ्रेंड्स, वो। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्ट्रॉन्ग चाय, तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए।
और फ्रेंड्स लास्ट में मैंने इसको इसलिए डाला है क्योंकि ना इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, जैसे नॉर्मली कैसे हम गरम मसाला लास्ट में डालते हैं बिल्कुल उसी तरह। इसके बाद हम इसको करने देंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। तो उतनी देर में क्या होगा ना, आपकी चाय भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मसाले का फ्लेवर भी छूट जाएगा, और अगर आप पहले से ही डाल देंगे ना तो काफ़ी कड़वा होता चला जाएगा एंड तक, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे से इसको उबलने देंगे। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको तुलसी का फ्लेवर पसंद है या फिर फ्रेश पुदीना का फ्लेवर पसंद है ना, तो यहाँ पे उसके पत्ते तोड़ के आप डाल दीजिए और वो भी साथ में कट जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी चाय बनी है। मतलब मैं मोस्टली ना यही वाला रेशियो यूज करती हूँ, जितना दूध उतना पानी, एकदम परफेक्ट चाय बनती है हर बार। और इस चाय की खुशबू तो फ्रेंड्स आप देखिए, आप टेस्ट करके देखिएगा, आप खुद जब बना लेंगे ना पी के देखिएगा, तसल्ली हो जाएगी ना, फिर आके आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चाय से ना आपकी दिन भर की थकान, सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम सब कुछ उड़न छू हो जाएगा। तो बस इस गर्मा गर्म चाय को छान लेंगे, तो आपको जिसमें पसंद है आप छान सकते हैं। कटिंग चाय मैं यहाँ पे मिट्टी के कप्स यूज कर रही हूँ बढ़िया से सौंधे फ्लेवर के लिए। और इसको आप इस बारिश में एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म काला भजिया के साथ, नहीं तो पार्ले बिस्किट तो सबके घर में होता है। तो फ्रेंड्स इस जबरदस्त चाय को जरूर से ट्राई कीजिएगा, स्पेशली अगर आप मेरी तरह चाय लवर हैं। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी चाय पसंद है, अदरक वाली चाय, अदरक इलायची वाली चाय या फिर मसाला चाय, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको टपरी वाली चाय के सीक्रेट्स जानने हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं।